बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सरकार इसे अनदेखी कर रही है। वहीं उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और सरकार की ओर से सुधारने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कुछ गलत मैंने संसार में जो सबसे गलत चीजें होनी है वो बिहार में हो रही है। हाँ। अब सही बात बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के प्रशासक, बिहार के जो प्रवक्ता लोग कहते हैं सुशासन है, दूसरों को कहते हैं कि सर्वसार होना चाहिए और उन लोग सर्वसार नहीं हो रहे हैं, यही आश्चर्य है। और एक हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी लाल जी के समय में कि यहाँ जंगल राज है, तो आज तक जंगल राज रहते हैं, लेकिन चार चार बार पांच पांच बार सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है बिहार के बारे में कि बिहार में सब सरकार प्रायोजित है, गंदा काम हो रहा है, सो वहाँ का सरकार काम नहीं कर रही है, हर तरह की बात की टिप्पणी की है, उसके बावजूद भी ये लोग शर्मसार नहीं होते हैं, यही आश्चर्य की बात है। ऐसी परिस्थिति में कल महामहिम से हम लोग मिले थे राज्यपाल महोदय से और हमने विशेष रूप में कहा है कि अगर बिहार के जनता से थोड़ा भी प्रेम है, थोड़ी भी मैंने इसके प्रति श्रद्धा है, तो बिना समय गंवाए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, नहीं तो और क्या होगा कुछ कहा नहीं जाए। जेडीयू के गोपालगंज के विधायक बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि तलाक की अर्जी देने के बाद तेज प्रताप यादव अचानक राजनीतिक गलियारे और मीडिया से अलग हो गए थे, जिसके बाद सत्र में शामिल होने पहुंचे और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में लगातार हत्या और लूट हो रही है और आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। सरकार ने देख ही रहे हैं पूरे बिहार में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। हाँ। तो अपने पार्टी के मुद्दा को रखने का काम कर रहे हैं सरकार की जो खामियां। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार इस बयान पर किस तरह से पलटवार करते हैं। पंजाब केसरी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।